नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 13 जून के सुबह 9 बजे से या दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जी दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय रविवार का दिन होगा और ज्योतिष शास्त्र में रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव के महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन है और यश में भगवान सूर्यदेव अपने भक्तों के जीवन काल में बड़े चमत्कार करते हैं, जिससे उनका मन काफ़ी प्रसन्न और प्रफुल्लित भी रहते हैं। जी दोस्तों, और यश में भी आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से यश में आपके घर से जुड़ी सभी प्रकार की आर्थिक तंगियाँ खत्म होंगी। पारिवारिक जीवन में चल रहे सभी प्रकार के नोक झोंक खत्म होंगी और आपके जीवन काल से यश में पेशों को लेकर जो भी किल्लत है सभी समाप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से यश में आपके रास्ते से सभी दुश्मन समाप्त होंगे और दोस्तों आपका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्ज्वल रहने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से ग्रहों की स्थिति और समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐसे में दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन सी बड़ी उपलब्धि यश में आपको मिलने वाली है, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सूर्यदेव लिखिएगा, गुरुजी का भगवान सूर्यदेव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में किसी राजनीतिक संबंध से आपको कुछ फायदा होने की उम्मीद है तथा आप अपने प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के बल पर कुछ ऐसा निर्णय भी यश में लेंगे जिससे आप खुद भी आश्चर्य होंगे और परिवार का भी देख रेख में आपका यश में उत्तम सहयोग बना रहेगा, जिससे दोस्तों आप पारिवारिक माहौल को यश में बहुत ज़्यादा खुशनुमा बनाने में कामयाब रहेंगे। और दोस्तों इसके उपरांत यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने बारे में विशेष जानकारी ना दें, अन्यथा कोई आपको धोखा भी दे सकता है। विद्यार्थीगण पढ़ाई पर जो है ध्यान केंद्रित रखें, आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि सुबह के वक्त में काम धीमी गति से आगे बढ़ने की वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आपको महसूस होगा, लेकिन दोस्तों सभी काम जो है आपके वक्त पर पूरे भी होंगे। और दोस्तों यश में इस बात का आपको विश्वास रखना होगा। दोस्तों कुछ कामों में दूसरों की लापरवाही की वजह से देरी भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों इसका असर जो है इनका नकारात्मक असर आपके तरीकों पर यश में नहीं होगा, तो दोस्तों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में कोई रुका हुआ पेशा भी आपको हासिल हो सकता है, इसलिए दोस्तों यश में आप प्रयास करते रहें। अपने महत्वपूर्ण काम के लिए जो दिन होंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होंगे। और दोस्तों यश में आप ग्रह स्थिति भी आपके लिए अच्छी बनी हुई है। दोस्तों किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को सुकून और खुशी भी यश में दे सकता है। और दोस्तों इसके उपरांत यह समय दोपहर के बाद जो है आपको कुछ अप्रिय सूचना या फिर समाचार मिल सकते हैं, जिससे दोस्तों घर में थोड़ा सा उदासी भरा माहौल भी रहेगा। अपने कार्यों को ध्यान से पूरा करें, जरा सी भी लापरवाही नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों पैसे की उधारी यश में बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए यश में बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों हर किसी बात को गंभीरता से लेकर आप जरूरत से अधिक विचार भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता भी कम होगी और दोस्तों निर्णय क्षमता भी, क्योंकि दोस्तों किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों को गलत तरीके से ना बोलें, दूसरों की परिस्थिति को भी समझना यश में आपके लिए जरूरी होगा, तो दोस्तों इस बात पर भी ध्यान दें। और दोस्तों कुछ कामों में जरूरत से अधिक वक्त लगने की वजह से नाराजगी भी आपकी यश में बढ़ सकती है, लेकिन दोस्तों इनसे कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों आप यश में अपने कार्य के प्रति अपने ध्यान को फोकस रखें, आपको उचित सफलता जरूर मिलेगी। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपको बता दें कि परिवार संबंधी किसी समस्या को सुलझाने में आपका विशेष प्रयास भी रहेगा और दोस्तों इनमें आप सफल भी रहेंगे।
और खास बात यह है कि दोस्तों यीशु में रोजमर्रा की दिनचर्या से हटकर आप कुछ समय अपने लिए व्यतीत करने आप जो है पसंद करेंगे। इससे दोस्तों आप अपने अंदर दोबारा नई ऊर्जा और ताजगी भी यीशु में महसूस करने वाले हैं। धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी कुछ योगदान अवश्य दें, ये आपके लिए भविष्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी पुराने मुद्दे उभरने से आपको तनाव हो सकता है या फिर तनाव जैसा वातावरण बन सकता है। किसी नज़दीकी संबंधी के विवाहित संबंधों में अलगाव आने की स्थिति बन सकती है, जिससे दोस्तों चिंता भी रह सकती है। यश में आप अपने गुस्से व फिर कटु वाणी पर नियंत्रण रखें। युवा वर्ग अपने करियर के प्रति यश में ज़्यादा ध्यान दें, ये आपके लिए यशमय बेहतर होंगी। और दोस्तों इसके उपरांत यशमय हर बात को खुद को होकर सुलझाने की आपकी जिद आपके काम की गति को कम कर रही है। दोस्तों परिस्थिति में बदलाव लाने के लिए आपको प्रयत्न भले ही करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों किसी के द्वारा प्राप्त हुआ मार्गदर्शन आपके लिए अधिक उपयुक्त यशमय हो सकता है। दोस्तों सीमित सोच विचार के कारण आप जो है यशमय नई अवसर नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए दोस्तों इनसे आप दूर रहें और अपने विचारों को विकसित करें, जिनसे आप नए नए अवसरों को प्राप्त कर पाएंगे और अपने कार्यों में अच्छी सफलता यशमय हासिल कर पाएंगे। और दोस्तों इसके उपरांत यशमय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यशमय लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो समय होंगे किसी हद तक भी मेहनत कर सकते हैं आप। और दोस्तों यशमय ऐसा ही जज्बा आपके ऊपर बना रहेगा। मन में जो भी सपने या फिर कल्पनाएं हैं उन्हें साकार करने के लिए जो समय होगा बहुत ही अच्छा समय होगा, बहुत ही उत्तम समय होगा। दोस्तों किसी समारोह आदि में जाने का निमंत्रण भी यशमय आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही दोस्तों यशमय नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आपको थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े आदि में ना पड़े तथा दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप यशमय आप ना करें। दोस्तों आपको बता दें कि विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की यशमय जरूरत होने वाली है। और दोस्तों इसके उपरांत यशमय आपके लिए यशमय होंगे, दोस्तों जीवन से जुड़ी हर बात को लेकर यशमय आपको तनाव महसूस हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि दोस्तों अपनी योजना पर कायम न रहने की वजह से मानसिक तनाव और फिर नाराजगी का आपको सामना करना पड़ेगा। पेशे से संबंधित चिंता भी यशमय बढ़ सकती है। दोस्तों हर बात में केवल नकारात्मकता ही दिखेगी, इसलिए निर्णय लेने से यशमय परहेज करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। और दोस्तों इसके उपरांत यशमय अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कलात्मक तथा ग्लैमर से संबंधित कार्यों से जुड़े व्यवसाय यशमय सफल रहेंगे। साझेदारी संबंधी व्यवसाय भी आपसे सामंजस्य बनाकर रखेंगे तो यश अच्छा रहेगा। और दोस्तों यशमय कामकाज में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का भी जो समय होगा अति उत्तम समय होगा। नौकरी में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारी की डांट फटकार भी आपको सुननी पड़ सकती है। और दोस्तों इसके उपरांत यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि मशीनरी कारखाने आदि से संबंधित व्यवसाय में नई उपलब्धियां मिलने वाली है। अधिकतर काम फोन द्वारा ही संचालित हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति यशमय सामान्य ही रहेगी। ऑफिस के कामों में भी बहुत अधिक व्यस्तता इसमें बनी रहेगी। और दोस्तों इसके उपरांत यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यशमय आपके लिए आय के स्रोत भी बढ़ेंगे तथा कार्य क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बना रहेगा। दोस्तों यशमय स्त्री वर्ग अपने व्यवसाय में विशेष रूप से सफल भी रहेंगे। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों के लिए ये जो समय है ऑफिस का वातावरण पॉजिटिव बना रहेगा और इनसे आपकी कार्य क्षमता में भी निखार आएगी। और दोस्तों इसके उपरांत यशमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। अपने कार्यों में जीवन साथी की सलाह लेना आपके लिए भाग्यदायक कारक रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों विवाहित संबंध भी यशमय मधुर रहने वाले हैं। पति पत्नी आपसे सहयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी सफल बनाएंगे तथा घर के और फिर अनुशासनपूर्ण वातावरण को बनाने में सक्षम रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी, जिससे मन को चैन तथा सुकून दोनों मिलेगा। परंतु विवादों का विपरीत लिंगी लोगों से मेलजोल मान हानि दे सकता है, तो इनसे आप दूर रहें। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय स्वास्थ्य की दृष्टि से समय कुछ कमजोर भी रह रहा है। और दोस्तों अपनी नियमित जांच कराएं तथा आलस छोड़कर दवाइयों को भी नियमित रूप से आप लेते रहें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशमय बेहतर होने वाले हैं। और दोस्तों यशमय आपको बता दें कि अस्वास्थ्य अंत में ठीक होगा अगर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे तो। और परंतु दोस्तों आपको बता दें कि घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के स्वास्थ्य का भी आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना चाहिए। और दोस्तों इसके उपरांत यशमय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे,
दोस्तों आपको बता दें कि अपने ब्लड प्रेशर आदि से संबंधित जो भी समस्या जिनको है वह चेक करवा लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे।